अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मकसूद डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बर्निंग टॉपिक के बारे में जो कि सभी लोग सर्च करते हैं, क्या जॉब। जब भी हम फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर टाइम पे जब हम जॉब सर्च करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो वो कौन सी चीजें हैं, अगर हम ध्यान में रखें तो एज अ फ्रेशर आपको आसानी के साथ जॉब मिल सकती है। जी हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पॉज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले तो जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी स्किल को जांचना, आकलन करना और देखना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप माहिर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने BCA कर लिया, आपने BTEC कर लिया कंप्यूटर साइंस से और आपको इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में। एज अ डेवलपर आप जाना चाहते हैं मार्केट में, आप जॉब करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। आपको किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, C++, Java, Python, PHP एंड .NET। उसके अलावा आप फ्रंट एंड डेवलपर में आप HTML, CSS, आप जो भी एडवांस चीजें हैं वहां पे किस में आपको इंटरेस्ट है। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उस इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्किल को समझें और उसको इनहेंस करें और डेवलप करें। अगर आप इस चीज को आप करते हैं तो आप 50% तक अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको समझना पड़ेगा आपकी स्किल्स क्या है और आपका उस स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब देखनी है। अदरवाइज आप बहुत सारी चीजों को पढ़ लीजिए और उसका फायदा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि कई बार आप किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करने के बाद क्या होता है, अपना रिज्यूमे आप कंपनी को भेजते हैं। तो चाहे वो नौकरी पोर्टल से आप अपलोड करके रिज्यूमे भेजें या फिर आप मैन्युअली ईमेल के थ्रू सेंड करें, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किल्स वहां पे प्रॉपरली सारी चीजें डिफाइंड हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप रिज्यूमे को भेज रहे हैं, अपने रिज्यूम को भेजने से पहले ये जरूर देखें कि कंपनी की डिजायर क्या है, कंपनी क्या मांग रही है, कंपनी के प्रोफाइल क्या है, कंपनी किस टाइप का बंदा मांग रही है, जो उन्होंने JD भेजा है आपको उस JD में उन्होंने क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई करने के बाद आप भेजेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब अगर 50% चांसेस हैं तो 70-80% चांस आपके बढ़ जाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, जब आप उनके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को मॉडिफाई करेंगे तो उनको लगेगा जो ये पर्सन जानता है वो सारी चीजें हमारी कंपनी के लिए लायबल है और हमारी कंपनी को इसी की जरूरत है। प्रिपेयर करो किसकी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ की, जो कि पहला क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एज अ फ्रेशर आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट रखता है सामने वाला इंटरव्यूअर। आप फ्रेशर हैं, आप फ्रेशर में क्या गेन किया है, आपके पास स्किल्स क्या है, आपने प्रीवियस में अचीव क्या किया है, आपने जिस टेक्नोलॉजी पे अभी आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल Java.NET Python PHP, आप जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, कितना काम किया, कोई लाइव प्रोजेक्ट है या नहीं है, कितना आपके पास नॉलेज है, वो सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप 50% इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्यों करना है आपको एक्सप्लेन, जो भी आपके रिज्यूमे में लिखा है उससे कोई भी मतलब नहीं है, इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एक चीज और भी है, मेक योर नेटवर्क स्ट्रांग ऑन सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, मैं बात कर रहा हूँ लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे आप अच्छा सा अपना सोशल नेटवर्क को मजबूत करें, क्योंकि वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाती है, बहुत सारे जॉब सीकर्स आपको वहां पे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप वहां पे अपने प्रोजेक्ट को दिखाते हैं और अपने काम को, अपने हुनर को दिखाते हैं, अपने स्किल्स को दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वहां से अप्रोच कर लेगा। प्रैक्टिकल करें, जितना हो सके प्रैक्टिकल करें, कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उस तरीके की आप देखें, आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, उस प्रोजेक्ट को आपको प्रैक्टिकल करना है, एनालाइज करना है, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि कॉर्पोरेट लेवल में किस तरीके से काम होता है। अगर मोटा मोटा आप समझ जाते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं जल्दी ही एक फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू। हाँ, टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप आसानी से जॉब पा सकते हैं अच्छी कंपनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हिडन होता है वो है आपकी कॉम स्किल, मतलब कम्युनिकेशन। अगर आपकी कॉम स्किल अच्छी है तो आपकी सैलरी, आपके डिजिग्नेशन, आपका कंपनी में सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड करता है। क्योंकि अगर आपकी कॉम स्किल अच्छी नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कॉम स्किल इतनी करें अपनी बात को आप समझा सकें, उसकी बात को आप समझ सकें और उसको अच्छे से एलिबरेट
कर सके। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखें इस चीज पे, अपनी कॉम स्किल अच्छी करें। सब चीज के पीछे जो एक चीज छुपी है वो है कॉम स्किल। अगर आपकी कॉम स्किल अच्छी है तो आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है। इन सब के बीच में अब एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, कंसिस्टेंसी। मतलब आप एक ही चीज को लगातार डे बाय डे करते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी स्किल में सुधार आता है, आपकी स्किल्स इनहेंस होती है और आप एक अच्छे डेवलपर या फिर एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर या फिर कुछ और आप बन सकते हैं और एज अ फ्रेशर आप जॉब पा सकते हैं। तो ये मेरे वीडियो का रहा पार्ट वन। सेम चीज पे मैं पार्ट टू बनाऊंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से naukri.com पे आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरीके से क्या करना है कि आपका रिज्यूमे टॉप पे आए और आपको आपके अकॉर्डिंग जो जॉब ढूंढ रहे हैं वही जॉब आपको ईमेल में आए और ऐसे ही सीकर जॉब सीकर जो है वो आपको कॉन्टेक्ट करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें। उसके साथ साथ मुझे बताएं मैं आपको और इससे रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो बना के पेश करूं।